बिग बॉस का सफर खत्म हो चुका है, लेकिन कंटेस्टेंट जो हैं बिग बॉस के, उनकी बातें और उनके जो इंटरव्यूज़ हैं वो बड़ी तेज़ी से वायरल हो रहे हैं, क्योंकि वो कुछ ना कुछ बातें कर रहे हैं एक दूसरे के बारे में। अब ऐसे में ईशा मालविया जब बाहर स्पॉट की गई, तो ईशा से ये पूछा गया कि आपका जो विनर है यानी कि मुनव्वर फारूकी, उस पर आपका क्या है कहना। तो ऐसे में ईशा मालविया का कहना कि देखो, मुझे मुनव्वर फारूकी डिज़र्विंग विनर नहीं लगता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुनव्वर ने ऐसा कुछ किया नहीं है कि मुनव्वर ये शो जीत सकता है, क्योंकि उसके पास इतनी फैन फॉलोइंग है, इतने ढेर सारे लोग हैं, उसको इतने ढेर सारी ऑडियंस पहले से ही बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तो वो सिर्फ और सिर्फ वोटिंग के बेसिस पे जीता है, ना कि अपनी पर्सनैलिटी के बेसिस पे जीता है। उसको वोट्स सबसे ज़्यादा आए हैं क्योंकि उसकी फैन फॉलोइंग है उतनी ज़्यादा, और इसीलिए वो शो जीता है, ना कि वो डिज़र्विंग है, क्योंकि वो डिज़र्विंग बिल्कुल भी नहीं है। ईशा मालविया का कहना है कि मुझे लगता है कि मुनव्वर फारूकी से कहीं ज़्यादा डिज़र्विंग तो अंकिता लोखंडे हैं, जिन्होंने अपनी पूरी जर्नी दिखाई है, अपनी शादी तक को उन्होंने कैसे रख दिया, क्या कहते हैं उस पर, मतलब प्रॉब्लम में डाला, और बहुत उनकी जर्नी में उतार चढ़ाव रहा है, उनकी अपने हस्बैंड से फाइट हुई है, उनकी फैमिली मेंबर्स में कितने अप्स एंड डाउन्स थे, वो सारी चीज़ें देखने को मिली है, और अंकिता लोखंडे ने बहुत अच्छा खेला है। तो ईशा मालविया का ये है कहना कि उनको ऐसा लगता है कि अंकिता जीती शो तो वो डिज़र्विंग होती, क्योंकि उन्होंने अपने सारे रंग दिखाए हैं बिग बॉस के घर में। मुनव्वर फारूकी डिज़र्व नहीं करता है, क्योंकि उसने अपने कोई रंग नहीं दिखाया है। उसकी एक स्टार्टिंग में फ्लैट लाइन चल रही थी, और उसके बाद उस जो बिग बॉस ने एक ट्रोमा उसके लिए भेजा, यानी कि आयशा को भेजा, उसकी वजह से वो जो भी दिखा है वो दिखा है, बाकी उसकी अपनी खुद की कोई पर्सनैलिटी नहीं है। तो ये था ईशा मालविया का कहना कि मुनव्वर फारूकी उनको डिज़र्विंग क्यों नहीं लगता है। चलिए आप लिखिएगा आपको क्या है कहना।